भोजपुरी, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, तमिल इन पांच भाषाओं में रिलीज़ हुई है महादेव का गोरखपुर। जय दोस्तों, महादेव का गोरखपुर फिल्म रिलीज़ हो चुकी है और ये फिल्म मैं देख रहा हूँ, फर्स्ट हाफ मैंने अभी तक देख लिया है। फिल्म एक मैथोलॉजिकल ड्रामा है और अभी तक फिल्म की जो झलकियाँ पेश की है डायरेक्टर राजेश मोहनन ने, मज़ा आ गया। मतलब एक साउथ के डायरेक्टर ने इस फिल्म को इस तरह से बनाया है, बिल्कुल पेंड लेवल के हिसाब से फिल्म बनाई है। फिल्म में KGF वाली वाइब भी आ रही है, विजुअली बहुत अच्छा टेक्निकल एस्पेक्ट है, सिनेमाटोग्राफी जो हम कहते हैं, कैमरा एंगल्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, विजुअली काफ़ी कैप्टिवेटिंग है, एक्शन अभी तक काफ़ी अच्छे लगे हैं मुझे। और रवि किशन ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है और यहाँ पे मुख्य किरदार निभाते हुए नज़र आ रहे हैं, और चाहे विलन हो, चाहे हीरो हो, या जो भी करेक्टर आर्टिस्ट हो, सभी के लुक पर काफ़ी मेहनत की गई है, कॉस्ट्यूम पर काफ़ी मेहनत की गई है। तो फर्स्ट हाफ की अगर बात करें तो महादेव का गोरखपुर काफ़ी बढ़िया प्रशंसनीय फिल्म नज़र आ रही है, क्योंकि मैं फिल्म हिंदी में देख रहा हूँ और मुझे ऐसा कतई नहीं लग रहा है कि मैं एक ऐसी फिल्म देख रहा हूँ जो शायद कोई और लैंग्वेज की है, ये नहीं वो नहीं, प्रॉपर हिंदी फिल्म ही ये लग रही है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो महादेव का गोरखपुर का फर्स्ट हाफ काफ़ी बढ़िया तौर पर, बढ़िया जगह पर एंड हो रहा है। सेकेंड पार्ट में और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फिल्म में देखने के लिए, जानने के लिए, फिल्म के ट्रेलर से काफ़ी हद तक आप स्टोरी का अनुभव आपने जान लिया होगा, बिल्कुल उससे ज़्यादा अलग नहीं है स्टोरी, शिवलिंग को लेकर स्टोरी है और उसको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है उसको लेकर ये स्टोरी है। बहुत ज़्यादा कुछ रिवील करने वाला नहीं हूँ, उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, लेकिन फर्स्ट हाफ का देखा जाए तो फर्स्ट हाफ काफ़ी बढ़िया लगा है। सेकेंड हाफ के बाद आपको फुल रिव्यू देने वाला हूँ।